हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर ओपन सीवी के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं इमेजेस एप्लीकेशंस किस तरीके से क्रिएट करना है ओपन सीवी में। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू रीड एन इमेज, हाउ टू राइट एन इमेज, इमेज को डिस्प्ले किस तरीके से करना है, राइट। लेकिन रोटेशन के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे थे, लेकिन आज हम देखते हैं रिसाइज, कि हाउ टू रिसाइज द इमेज। यदि आपके पास कोई इमेज है और आपको उसको रिसाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट साइज में, तो हाउ टू रिसाइज दिस इमेज, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने रिसाइज से एक एप्लीकेशन क्रिएट की, इंपोर्ट CV2 को हमने इंपोर्ट किया, और सबसे पहले हम हमारा इमेज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं जिसको हमें रिसाइज करना है, जिस भी इमेज को। तो हमने लिखा आई एम रीड, और यहाँ पर हमने बता दी लोकेशन। तो लोकेशन हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि सेम लोकेशन है जो हमने लास्ट एप्लीकेशन में क्रिएट की थी। सो दिस इज वॉट माई इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार इसको शो करके हम देख लेते हैं इमेज ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हम इमेज लेते हैं, मैं लो में इमेज लेता हूँ vivek1.jpg, ठीक है, ताकि रिसाइज आपको प्रॉपर समझ में आए। और यहाँ पर हम इसको शो करते हैं, तो cv2.imshow मेथड, ठीक है, और आई एम शो मेथड को हमने ऑब्जेक्ट बता दिया। टू पैरामीटर रिक्वायर्ड आई एम शो मेथड, वन इज विंडो, तो हमने बता दिया इमेज विंडो, ठीक है, एंड देन कॉमा इमेज ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड मेथड वेट की, तो वेट की हमने 0 दे दी। और ये सारे कॉन्सेप्ट हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, ठीक है। दिस इज द बेसिक पैरामीटर कि अगर आप कोई भी इमेज व्यू कर रहे हैं तो यू हैव टू सी दिस वन। तो कहां मिस्टेक हुई है, जस्ट अ मोमेंट, आई एम शो मेथड रिक्वायर्ड टू पैरामीटर इमेज विंडो एंड सेकेंड इज img, राइट, और jpg डबल टाइम हो गया है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सी दिस वन। सो एक्चुअली ये jpg बाय मिस्टेक दो बार हो गया था, दिस इज vivek1.jpg, वो बाय डिफॉल्ट jpg.jpg हो गया था। तो आप देखिए ये इमेज है, मेरी अपनी इमेज है, ओके। तो इस इमेज को अगर आप देखें ना, अभी करंट साइज इसकी, अब अगर मुझे इसको रिसाइज करना है, सो देयर आर मल्टीपल वे टू रिसाइज एन इमेज, और आप रिसाइज करने के बाद अपनी नई इमेज को सेव भी कर सकते हैं, जैसे हमने रोटेशन के बाद बात की थी, ओके। तो यदि मुझे इस इमेज को रिसाइज करना है, तो देयर इज अ सिंपल मेथड अवेलेबल cv2.resize। ये रिसाइज मेथड एज अ पैरामीटर, दिस रिक्वायर टू पैरामीटर, वन इज किस इमेज को रिसाइज करना है, तो हमने इमेज बता दी, एंड सेकंड आपको इमेज को कितने बाय कितने से रिसाइज करना है। तो मान लो अगर मैंने बोल दिया 300 बाय 300, दैट यू हैव टू प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ टुपल, ओके, मतलब इनसाइड अ ब्रैकेट टुपल। तो यदि मैं रिसाइज करने की बात कर रहा हूं, तो आप देखिए मैंने रोटेशन के टाइम भी ये बात आपको बोली थी कि जब भी आप अपनी करंट इमेज में कुछ भी चेंजेस करेंगे, अगर आप उसको रिसाइज कर रहे हैं, अगर आप उसको रोटेट कर रहे हैं, सो यू विल गेट द न्यू इमेज, ठीक है। तो यहां पर अब आपको नई इमेज स्टोर करना है img में, मतलब जो इमेज आप दे रहे हैं ये उसी को करेंटली रिसाइज नहीं करेगा, ओके, यू विल गेट अ न्यू इमेज हियर। सो आई एम गेटिंग अ न्यू इमेज ऑब्जेक्ट, और इस इमेज ऑब्जेक्ट को अब हम शो करते हैं, सो सी दिस वन, नाउ दिस इमेज इज इन दिस साइज, राइट। सो दिस इज हाउ टू रिसाइज द इमेज। यदि मान लो मैं इसको कर देता हूं 3 बाय 350 बाय 350, सो अगेन आई विल गेट सम न्यू, सी दिस वन। सो दिस इज द वन वे टू रिसाइज एन इमेज, कि अगर आपको अपनी इमेज को रिसाइज करना है, सो हाउ टू रिसाइज दिस इमेज। और यहां पर आपने जो दिया है एक्चुअली एक्स और वाई एक्सिस के साइज, कि आपको कितने बाय कितने से अपनी इमेज को रिसाइज करना है। सपोज इट इज 500 बाय 500, तो अब देखिए इमेज की रिसाइज 500 बाय 500 में कुछ इस तरीके से होगी। और सेकेंड चॉइस आपके पास ये भी है कि यू कैन ऑल्सो रिसाइज द इमेज इन पिक्सल्स फॉर्मेट। ये तो अभी हमने एक्स और वाई एक्सिस बताया, राइट, बट इन पिक्सल्स फॉर्मेट अगर आपको इमेज को रिसाइज करना है, तो अगेन इन cv2 वी हैव एन ऑप्शन रिसाइज, cv2.resize, एंड यहां पर आपको सबसे पहले इमेज बतानी है, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम 0,0, एंड हियर यू हैव टू यूज टू पैरामीटर fx एंड fy, ठीक है। तो मैंने बता दिया fx इक्वल टू सपोज 0.5, एंड सपोज हमने बता दिया fy इक्वल टू 0.5। सो अगेन वी हैव अ पैरामीटर fx एंड fy। अगर आपको इमेज को पिक्सल्स के पॉइंट से रोटेट करना है, ठीक है, तो अब देखिए रिसाइज करना है, तो अगर मैं इसके बाद अपनी इमेज देखता हूं, so I'll get image something like this. ये मेरी ओरिजिनल इमेज नहीं है, अगर मैं इसको कमेंट करता हूं, तो मेरी ओरिजिनल इमेज एक्चुअली ये है। तो यहां पर हमने इसको fx fy से भी रोटेट किया, सॉरी रिसाइज किया है, so this one. और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करता हूं, सपोज आप इसको कर देते हैं 2x-axis, ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, ये इमेज रोटेट हो रही है, राइट, एंड अगर मैं इसको कर देता हूं 0.3 एंड दिस इज 0.3, तो अगेन इमेज इज इन मिनिमम साइज, ये देखिए दिस इज व्हाट द इमेज वी गेट। सो यहां पर देयर आर मल्टीपल वेज टू रिसाइज द इमेज, ओके।
फर्स्ट ऑप्शन यू कैन रिसाइज द इमेज बाय एक्स एंड वाई एक्सिस, और यू कैन गो विद दिस सेकंड ऑप्शन जहां पर हम इमेज को रिसाइज कर रहे हैं पिक्सल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पर आपको 0x0 पिक्सल्स बताना है। मल्टी एक्चुअली वी नीड टू प्रोवाइड फोर पैरामीटर हियर। फर्स्ट वन इज द इमेज, सेकंड वन इज द पिक्सल्स जहां पर आपके पिक्सल्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 from 0, और ये आपने बता दिया कि 0.3 पिक्सल से मुझे इमेज को रिसाइज करना है। सो दिस इज व्हाट fx एंड दिस इज व्हाट fy, x एक्सिस पिक्सल्स एंड y एक्सिस पिक्सल्स। और अगर आपको लग रहा है सो बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर दिस फर्स्ट वन, जहां पर आपको केवल इमेज के साथ x और y एक्सिस बताना है कि x एक्सिस और y एक्सिस पिक्सल्स कितने बाय कितने से, सॉरी x और y एक्सिस में आपको इमेज को कितने बाय कितने से रिसाइज करना है, राइट। और आफ्टर दिस रिसाइज यदि आप चाहते हैं कि जो चेंज इमेज है मुझे इसको सेव करना है सेम लोकेशन पे, राइट, तो वी हैव अ मेथड कॉल्ड, अगर आपने रिसाइज किया है, और अगर मैं इसको लिख देता हूं CV2, मान लो मैं इसको थोड़ी और छोटी कर देता हूं, इट इज 300 by 300। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। यस, सपोज अब मुझे इस इमेज को सेव करना है। ओके, जैसे मान लो आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड यू हैव अ लार्ज इमेज, पर आप चाहते हैं कि इमेज को आपको अपने पासपोर्ट साइज इमेज में चेंज करना है। ओके, सो दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो रिसाइज हमने कर लिया, और ये जो चेंजेस इमेज है मैं इसको सेव कर लेता हूँ CV2.IMWRITE, और आई एम राइट में आपने लोकेशन बता दी कि मुझे नई इमेज जो है वो इस नाम से रोटेट सेव करना है, दिस इज विवेक। ठीक है, हमने लोकेशन बता दी, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अगर आप लोकेशन नहीं देंगे तो आपके करंट फोल्डर जो ओपन सीवी एप्लीकेशन है यहीं पर आपकी इमेज सेव हो जाएगी। सी दिस वन, इफ आई एम नॉट गिविंग एनी लोकेशन vivek.new.jpg, ये मैंने राइट बता दिया कि मुझे इमेज और कौन सी इमेज राइट करना है comma img, ये आपने बता दिया, राइट। तो सी दिस वन, ये आपकी इमेज भी डिस्प्ले हो गई, एंड हियर यू विल फाइंड दिस vivek.new.jpg। ये देखिए आप, इस साइज की इमेज आपकी परमानेंटली सेव हो गई, सो दैट यू कैन यूज दिस इमेज फॉर एनी अनदर एप्लीकेशन। So this is how we can resize the image using OpenCV, कि यदि आप OpenCV को use कर रहे हैं और अगर आपको इमेज को रिसाइज करना है तो किस तरीके से हम इमेज को रिसाइज करेंगे, देर आर टू ऑप्शन, दोनों ऑप्शन अभी हमने देखे और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को भी आप समझते जाइए और साथ में प्रैक्टिकल करते रहिए, ताकि जब हम OpenCV में एप्लीकेशन डेवलप करेंगे एट द एंड तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप वन में अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि OpenCV मॉड्यूल कंसिस्ट हाउ मेनी फंक्शंस, कि कितने फंक्शंस है OpenCV मॉड्यूल में, राइट। और एक बार अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ जाएंगे तो एप्लीकेशन क्रिएशन बड़ा आसान होगा हमारे लिए, यही हम सारे मॉड्यूल्स में भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, दोस्ती बढ़ाइए, साथ में रहिए, ठीक है, और बने रहिए इस कोर्स में और प्रैक्टिकल करते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में OpenCV के ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।